नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कृष्ण जी का जन्मदिन है, टाइम फॉर अ बुक रिव्यू। तो मुझे लगा कि लव स्टोरी से ज़्यादा बढ़िया किताब आज के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मोहब्बत की बात की जाए, लव स्टोरी अगर किसी की याद की जाती है तो वो राधा कृष्ण की है। इसलिए आज जन्माष्टमी के दिन बुक रिव्यू डेडिकेटेड टू राधा कृष्ण जी, 1970s की क्लासिक लव स्टोरी एरिक सीगल की लिखी हुई। ये मोहब्बत की कहानी काफी पुरानी है, इसलिए इसमें कोई तड़का नहीं है, कोई मसाले नहीं है। कुछ जिंदगी की कहानियां बहुत सिंपल भी होती है, वो ही उनकी खास बात होती है, और इस कहानी की खास बात इसकी सिंप्लिसिटी है। वैसे तो जब भी आप किसी किताब को खोलते हैं तो उसका जो पहला पन्ना होता है वो कब प्रिंट हुई, पब्लिशर्स कौन है, या कोई एक्नॉलेजमेंट जिसको थैंक यू कहना चाहता है ऑथर, उसके बारे में लिखा होता है। लेकिन ये जो किताब है इसमें कहानी का एक हिस्सा लिखा है, और ये कहानी का किस्सा इतना खूबसूरत है कि इस किताब को आप पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ लाइंस आपके लिए पढ़ूंगी। हे ऑलिवर, डिड आई टेल यू दैट आई लव यू? नो जैन, व्हाई डिडंट यू आस्क मी? आई वाज अफ्रेड टू, फ्रैंकली। Ask me now. Do you love me, Jenny? She looked at me and wasn't being evasive when she answered. What do you think? Yeah, I guess. Maybe. ऐसी छोटी छोटी बातें जो शायद हर एक लव स्टोरी का हिस्सा होती हैं, वो इस किताब में आपको भरपूर मिलेंगी। छोटी सी किताब है, 127 पन्नों की, एक भी पेज पे आप बोर नहीं होंगे। अक्सर मैं कहती हूँ कि कुछ एक बातें होती हैं हर एक किताब में जहाँ पे एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, आपको वो पसंद नहीं आती या बोरियत महसूस होती है, तो उसको बस पढ़ लीजिए। इस किताब में बस पढ़ लीजिए वाली बात है ही नहीं, बहुत प्यारी, बहुत सिंपल कहानी है। मुझे खासकर ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद आती है, क्योंकि आजकल तो अगर बात करें डांस की, गाने की, या किसी भी और चीज़ की, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जिस तरह हमारी आजकल जिंदगी हो गई है ना, 100 उलझने, अपनी भी, दूसरों की भी, और पता नहीं किन किन बातों की। ये एक किताब है जो दो लोगों पर ही फोकस करती है। ये किताब है जो जेनिफर और ओलिवर को एक खूबसूरत पिक्चर में आपके सामने उतार देगी। जेनिफर रेडक्लिफ में पढ़ती थी और ओलिवर हार्वर्ड में। इनकी जो पहली मुलाकात है ना, वो भी बहुत खास है। पहली बार ओलिवर जेनिफर को एक लाइब्रेरी में मिलता है, वहाँ पर वो किताबें शेयर करने गया है। हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडक्लिफ की लाइब्रेरी में किताबें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम रश रहता है। तो ओलिवर ने सोचा कि मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ शांति से। जब वो रिसेप्शन पे जाता है तो उधर दो लड़कियाँ खड़ी हैं, एक बहुत खूबसूरत, टॉल, गुड लुकिंग, एक चश्मे लगाई हुई, थोड़ी छोटी। तो ओलिवर सोचता है जिसने चश्मे लगाए हुए हैं उसी से पूछा जाए। वो एक किताब के बारे में पूछता है, तो ये जो लड़की है जेनी, वो उसे कहती है कि तुम मुझे स्टूपर्ड और रिच लगते हो, हार्वर्ड के स्टूडेंट हो, रेडक्लिफ में क्या कर रहे हो? तो ओलिवर उसे लीगैलिटी समझाने लगता है कि लिसन, वी आर अलाउड, वी कैन कम हियर, वी कैन शेयर योर बुक्स। लेकिन जब इस पर जेनिफर ने ओलिवर को कहा कि तुम स्टूपर्ड और रिच हो, तो ओलिवर ने कहा, नहीं, आई एम पुअर एंड स्मार्ट। वो कहती है कि नो, यू नॉट, आई एम पुअर एंड स्मार्ट। तो वो उससे पूछता है कि हाउ डू यू प्रूव दैट यू आर स्मार्ट? इस पर जेनिफर कहती है, बिकॉज आई विल नॉट गो आउट फॉर अ कॉफी विद यू। ओलिवर कहता है कि मुझे तो लेके ही नहीं जाना तुम्हें कॉफी पर। तो जेनिफर कहती है, दैट प्रूव्स दैट यू आर स्टूपिड, एंड बिलीव मी, ये किताब में आप पढ़ेंगे कि उस शाम को ओलिवर और जेनिफर कॉफी पे जाते हैं। ओलिवर जेनिफर को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? तो इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी बहुत सिंपल तरीके से लिखी गई है, पर एक्सप्रेशन राइटर का ब्यूटीफुल है। वैसे तो इस पे एक पिक्चर भी बनी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन ये जो किताब है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो कहानी यूं ही आपके सामने चलने लगेगी, क्लिप बाय क्लिप। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें स्पाइस नहीं है, लेकिन खूबसूरती पूरी है। वो कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी, वो है इस मोहब्बत की कहानी में, इस लव स्टोरी में। और क्योंकि ये मॉडर्न बुक रिव्यू है, मैं इसकी थोड़ी कहानी भी आपको सुना दूंगी। तो कहानी में होता ये है कि
कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को पहली नजर में ना पसंद करते हैं, पर कुछ केमिस्ट्री जरूर है। ओलिवर एक बहुत रिच खानदान से बिलोंग करता है और जेनिफर एक मीडियोकर फैमिली की लड़की है। सिंपल सी कहानी है, अमीर लड़के को लड़की से मोहब्बत है, वो उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, उसको उसके परिवार वाले डिसओन कर देते हैं। लड़की का परिवार पूरी तरीके से उसे सपोर्ट करता है। लड़की म्यूजिक में मेजर्स है, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी है। दोनों में इतनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग है कि वो नहीं चाहती कि ओलिवर अपनी पढ़ाई किसी भी तरह से छोड़े, क्योंकि वो लॉ कर रहा है हार्वर्ड से और उसके 3 साल रहते हैं जब वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स इन बिटवीन द स्टडीज ओलिवर भी जगल कर रहा है और जेनिफर भी ओलिवर की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए कर रही है। दोनों अपने बिल्स मीट कर रहे हैं, जैसे तैसे हो जा रहा है, अच्छी जिंदगी चल रही है। अब ओलिवर की पढ़ाई पूरी होती है, हार्वर्ड में वो वैसे तो 3rd rank पे आता है, लेकिन टॉप पे आता है सैलरी में। ही गेट्स द हाईएस्ट पैकेज इन दैट ईयर। अब जब जिंदगी संभलने ही वाली होती है, अब जब जिंदगी और खूबसूरत होने ही वाली होती है, अच्छे पैसे आ जाने वाले होते हैं, सुख सुविधाएं आ जाने वाली होती है, तब ये पता चलता है कि जेनिफर को ल्यूकेमिया है, अ काइंड ऑफ कैंसर। उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। डॉक्टर ये ओलिवर को बताता है और ये कहता है कि जितनी नॉर्मल जिंदगी तुम जी सकते हो उतनी जियो इस वक्त जेनिफर के साथ। जेनिफर को भी ये बात अपने डॉक्टर से पता चल जाती है। वो हॉस्पिटल में है, अभी ही नौकरी लगी है तो इतने ज्यादा पैसे है नहीं ओलिवर के पास। वो फाइनली अपने फादर के पास जाता है, उनसे मदद मांगता है $5,000 की। बताता नहीं है उन्हें कि किस लिए चाहिए उसे। जब ओलिवर पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंचता है तो जेनिफर के पास ज्यादा वक्त रह नहीं गया होता। वो अपने फादर को बता रही होती है कि उसकी क्रिमेशन किस तरीके से हो। फिर वो अपने फादर को बाहर भेजती है और कहती है कि ओलिवर को अंदर भेजिए। उसे कहती है कि खुद को किसी बात का कसूरवार मत मानना। एक आखिरी बार खुद को जोर से पकड़ने के लिए कहती है और उसकी बाहों में वो दम तोड़ देती है। जेनिफर ने हमेशा ओलिवर को समझाया होता है कि लव मींस नेवर टू से सॉरी। जब जेनिफर नहीं रहती, वो हॉस्पिटल से बाहर आता है। बाहर बहुत ठंड होती है, वो ठंडी हवा उसे महसूस हो रही होती है उस वक्त। ओलिवर के फादर को पता चलता है कि जो पैसे लिए थे ओलिवर ने, वो अपनी बीवी को जेनिफर को हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट दिलाने के लिए लिए थे। वो अपने घर से न्यूयॉर्क के लिए चलते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जेनिफर अपना दम तोड़ चुकी होती है। ओलिवर को कहते हैं, आई एम रियली सॉरी ओली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। उस वक्त ओलिवर अपने फादर को कहता है, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू से सॉरी। पहली बार उनके गले लगता है और खूब रोता है। ये लड़की जेनिफर 25 साल की थी। जिंदगी जीने का तरीका इसे आता था, खुल के हंसना इसे आता था। ये कहानी जो है लव स्टोरी, इसमें बहुत सारी बातें हैं। है तो कहानी बहुत सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, विदाउट स्पाइस है, लेकिन चीजें समझने वाली है। जिस तरह ये जो कहानी है, ये सिर्फ 2 लोगों पर है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ग्रीडीनेस नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं किसी भी तरफ से। इसलिए इसमें ये बात पता चलती है कि रिश्ते सिंपल ही होते हैं या रह सकते हैं सिंपल, और रिश्तों में एक दूसरे का साथ देना मजबूरी नहीं होती या किसी पे किसी का एहसान नहीं होता। रिश्ते में 2 लोग तभी खुश रह सकते हैं अगर जो वो दोनों चाहें, उन दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे वो चीज करने की परमिशन मिले, दोनों को बराबर। आजकल के दौर में जो एक बात देखने को मिलती है, बार बार आपको समझाया भी जाता है कि एक दूसरे पर विश्वास करो। मुझे ये लगता है कि अगर कोई रिश्ता होता है तो उसमें ये बोलने की जरूरत नहीं होती है, ना ही समझाने की होनी चाहिए कि एक दूसरे पे विश्वास कीजिए। विश्वास है तभी वो रिश्ता है। अगर विश्वास कीजिए या विश्वास करना चाहिए ये समझाने की नौबत आ जाए, तो वो रिश्ता तो पहले ही डगमगा जाता है ना। मैंने ये किताब कॉलेज में ली थी तो उस वक्त ये 125 रुपए की थी। आज भी मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चेक किया तो कहीं पे 131 रुपए की है, कहीं पे 129 रुपए की है। छोटी सी किताब है, बहुत प्यारी सी किताब है। एक कॉम्प्लेक्स जिंदगी में सिंपल सी कहानी पढ़ने का आपका मन करे तो एरिक सीगल लव स्टोरी,
ये किताब पढ़नी बनती है और आपका मेरे चैनल हिमाचल वायर को भी सब्सक्राइब करना बनता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन नजर आएगी आपको, उसको भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशंस जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास पहुंच जाएगी। एक बार दोबारा से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।